नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 12th of November 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट PDF लिंक जो रहने वाला है इस पूरे लेसन का नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में दे दिया जाएगा। वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके इसके रिलेटेड क्रिस्प नोट्स अपना तैयार भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला देख लेते हैं इंडिया का अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ये इनसफिशिएंट बोला जा रहा है और यह एक रिपोर्ट निकाला गया था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा। ध्यान दीजिए, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का इस रिपोर्ट में बोला गया है इंडिया जो डिमांड बोल रहा है ना दैट इंडिया विल मीट द डिमांड ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये शायद ही ये मतलब इंडिया के टारगेट्स बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है राइट, बट प्रोबेबली वो डिमांड इतना जल्दी नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो टारगेट इंडिया ने क्या क्या किया था, टारगेट था हमारा दैट नेट जीरो एमिशन जो है हम लोग 2070 तक करेंगे, हम लोग रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स अपना GDP बाई 45% बाय द ईयर 2030 और किस लेवल के 2005 के लेवल के, और साथ ही साथ अराउंड 50% तक जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी होगा वो हमारा 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होगा राइट। तो ये जो भी टारगेट दिए गए हैं तो ये बोल रहे दीज टारगेट्स आर नॉट इनफ टू रीच द 1.5 डिग्री टारगेट राइट। तो ये किसके रिपोर्ट के द्वारा बोला गया था, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो क्या एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस प्रोड्यूस करती है ना, एंड ये काम कर रही है सिंस 2009 एंड ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाई दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राइट। नाउ एक कमिटी है ऑन जस्ट ट्रांजिशन, इसको सेटअप किया गया था अंडर सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर ऑफ इंडिया US स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और इन्होंने सजेस्ट किया था ऑफ सेटिंग अप ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड, और इस फंड के हिसाब मतलब इस फंड का सहारा लेकर जो है इंडिया को हेल्प करना था टू ट्रांजिशन टू नॉन रिन्यूएबल sources of energy from the fossil fuel things right. So these were the things. Next, India Biological Data Center IBDC के बारे में न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेडिकेट किया था देश को हमारे पहला नेशनल डिपॉजिटरी फॉर साइंस लाइफ साइंस डेटा जो क्या है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इसको सपोर्ट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसको स्टैब्लिश किया गया है एट कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा के रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में। इनफैक्ट बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है उसके तहत मैंडेट किया है टू आर्काइव ऑल द साइंस डेटा जनरेटेड बाई पब्लिकली फंडेड रिसर्च जो भी होता है ना, पब्लिकली फंडेड रिसर्च जो भी होता है उसके रिलेटेड जितने भी सारे लाइफ साइंस डेटा है उसको यहाँ पे रखना, एंड यह हाउस करता है। अच्छा चलो दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट या दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, मेक श्योर फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है आगे बढ़े, चलो अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस लाया जा रहा है अंडर AINC और इसको लॉन्च किया है टू एड्रेस द इश्यूज जो कि हमारे देश के वुमेन्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में ना। अटल इनोवेशन चैलेंज ये तो हम लोगों ने सुना हुआ है ना, अटल टिंकरिंग लैब याद कीजिए है ना, तो बट अभी वुमेन सेंट्रिक ये क्या है भाई। देखो क्या है ना, आप पहले तो जान के रखिए ये जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC ये पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन का ही जो क्या लॉन्च किया गया भाई नीति आयोग। ठीक है क्लियर है ना, अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रोवाइड किया जाता है फंड 1 करोड़ तक का टू वैसे सेक्टोरल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो क्या हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस का हो और जो सोशली रेलिवेंट हो राइट, तो उस टाइप का चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट सिटीजन परसेप्शन सर्वे CPS, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को मद्देनजर देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सिटीजन परसेप्शन सर्वे जिससे सिटीजन्स का सर्वे कैरी आउट किया जाएगा दैट उनका परसेप्शन क्या है टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट दे आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया।
है ना? तो इस टाइप ये क्या है पता है, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो असेसमेंट टूल, क्योंकि जैसो यही नहीं, आपने सुना होगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये सब मिलाकर क्या है, दीज आर द असेसमेंट टूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? एंड इसके इम्पैक्ट क्या है ऑन द वेरियस इनिशिएटिव ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इनफैक्ट सिटीजन परसेप्शन इन सर्वे जो है ये कंडक्ट पहला बार कंडक्ट किया गया था 2020 को, जो क्या कैरी करता था 330% वेटेज इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एंड इट इज इसको अंडरटेक किसके द्वारा किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड न्यूज में था, इनफैक्ट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अवार्ड किया जा रहा है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, किस लिए भैया, फॉर द बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरीज सेक्टर। तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 2006 को, यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, ठीक है? और इसका एम क्या है, टू इनहांस द फिश प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्टिविटी हमारे देश में, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना टू फिशरीज डेवलपमेंट इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट, प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट। देखो एक्चुअली क्या है ना, APEDA सुना ही तो होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? सो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिसने प्रिपेयर किया है एक्शन प्लान जो क्या प्रमोट करेगी इंडिया के मिलेट एक्सपोर्ट को। जी हाँ, मिलेट की अगर बात करें, दुनिया भर में जो हमारे देश से जो मिलेट का एक्सपोर्ट होता है ना, वो हमारे जितना मिलेट का प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल 100 kg मिलेट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें मात्र हम लोग 1 ही kg हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं। वही तो चीज बोला गया है दैट द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट इज नियरली 1% ऑफ द टोटल मिलेट प्रोडक्शन। सो यह जो बोला गया ना प्रमोट किया जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट, तो इसके तहत एक एक्शन प्लान लाया गया है जिसके तहत इंडियन जो मिशंस है ना उसको अब्रॉड को देखा जाएगा, इनफैक्ट दे वुड हेल्प इन ब्रांडिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ इंडियन मिलेट्स। इससे फायदा ये होगा दैट अब्रॉड भी हमारे देश का जो मिलेट्स को ब्रांड किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा दैट फॉरेन मिशंस जो इंडिया में आ रहे हैं ना उसको शोकेस करना हमारा मिलेट प्रोडक्ट है ना, और हम बताना, देखो दुनिया भर में क्या है ना, ज़्यादातर विदेश कंट्री जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए दे आर मोर इन टू हेल्दी फूड्स, राइट? उनको ये नहीं दिखता दैट हम जैसे इंडिया में क्या है ना, मिलेट आर कंसिडर्ड एज पुअर मैन फूड है ना, वहाँ पे ये सब नहीं किया जाता, ठीक है? सो वहाँ पे हेल्दी और क्विक जो बन जाए, तो ये तो रेडी टू ईट मिलेट प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं देश में, तो क्या हम फॉरेन एम्बेसडर्स को ये जो भी हमारे देश में आते हैं या फिर कभी भी अगर इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट होते हैं तो हम लोग नहीं दिखा सकते? एब्सोल्युटली मिलेट प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं हम इंडिया के मिलेट को इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स में, बहुत सारे इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल दुनिया भर में कैरी आउट किए जाते हैं। इनफैक्ट सरकार प्लान कर रही है टू मेक अ 5-year स्ट्रेटेजिक प्लान जिससे प्रमोट किया जा सके मिलेट और वैल्यू एडेड मिलेट प्रोडक्ट्स को। सेंटर ने इसके लिए क्रिएट भी किया है न्यूट्री सीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, और गवर्नमेंट मोबिलाइज कर रही है स्टार्टअप्स को भी, और ये सबसे इजी चीज़ होता है पता है, स्टार्टअप्स तो खुद ही कोशिश करते हैं दैट हमारे कंपनी आगे बढ़े, और सरकार अगर इन टाइप के स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करेगी तो कितना अच्छा होगा। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये पता है इंडिया का ही द्वारा प्रपोजल दिया गया था इसको, ठीक है? तो मिलेट के रिलेटेड इसीलिए आने वाले समय में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन भी रहे हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड SRIF, ये सेबी का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है जो क्या कहा जा रहा है MSMEs दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अराउंड 5,000 crore तक का रुपया प्रोवाइड कराएगा जिससे इस इंडस्ट्री को ओवरऑल डेवलप किया जा सके। तो सवाल होता है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, याद है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का वेरियस कैटेगरी होता है, Category 1, Category 2, Category 3 है ना, तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड कौन से कैटेगरी में लाई कर रहा है, Category 2 मिलाई कर रहा है, ठीक है? सो आपको Category 1 के फंड्स याद रहने चाहिए, वेंचर कैपिटल फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, एंजल फंड्स होता है, सोशल वेंचर फंड होता है। Category 2 में आता है प्राइवेट इक्विटी फंड, डेप्ट फंड है ना, फंड ऑफ फंड्स, और Category 3 काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, हेज फंड्स है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, तो ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्राडिशन न्यूज़ में था, क्यों भाई? क्योंकि नीरव मोदी जो कि एक फ्यूजिटिव है
जो क्या जिसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, करप्शन के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, फ्रॉड के केसेस है, यह अभी यूके में छिपा है। ठीक है, हमारी ही देश की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था यूके गवर्नमेंट को दैट इसको एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए इंडिया में, और यूके ने इसको मान लिया है। और ये जो 1992 में हम लोगों ने साइन किया था यूके के साथ इंडिया यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, वो अभी सफल हो जाने वाला है, जिसके तहत नीरव मोदी को इंडिया में भेज दिया जाएगा। उसके बाद इंडिया में तो फिर इसको इसके ऊपर यू नो क्रिमिनल चार्जेस तो है ही लगे हुए, उसके बाद सजा इंडिया में दिया जाएगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत देखो बहुत कोई भी देश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर सकती है, राइट। इसका साइन करने का मतलब ही ये होता है दैट कल को अगर हमारे क्रिमिनल आपके देश में है या फिर आपके क्रिमिनल हमारे देश में है, तो हम लोग एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट देखो भाई वो क्रिमिनल है, उसको आप हमारे देश में भेज दीजिए, हम लोग यहाँ पे उसको सजा देंगे। क्योंकि क्रिमिनल क्या होता है ना, यहाँ के क्रिमिनल है तो कोई दूसरे देश के तो क्रिमिनल नहीं है ना, वो आराम से बाहर में छूट खुलेआम छूटता है, राइट। तो इसीलिए इसको किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं दैट दो देश अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उन्होंने साइन किया है तो उन्हें यू नो इन टाइप के क्रिमिनल्स को भेजना ही है, मजबूरी नहीं है, लेकिन है ना, वो भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, डिजी लॉकर न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इसका सेकेंड लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक एक करके देखते हैं डिजिटल लॉकर है क्या, ये सब क्या है। तो एनीवेज आपको ये पता होना चाहिए दैट डिजिटल डिजी लॉकर जो है इसको आप अभी डिजिटली अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। डिजी लॉकर के बारे में अगर बात करें तो डिजी लॉकर एक सक्सेसफुल एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज पोर्टल है, जहां पर जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट डिजी लॉकर को यूज किया जाता है इन हेल्थ लॉकर फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स, जैसे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स है ना, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस, लैब रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 को, जो क्या कनेक्ट करता है डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन फॉर हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्रीज। इनफैक्ट यह एक डिजिटल इकोसिस्टम है और कहा जा रहा है दैट ये होस्ट करेगा डिफरेंट अदर फैसिलिटीज भी, जैसे डिजिटल कंसल्टेशन, पेशेंट जैसे जिससे कंसल्ट कर सके यू नो उसके रिकॉर्ड जैसे एक जगह रह सके, तो ये सब फैक्टर है। नेक्स्ट, एमसीक्यूज में अगर आ जाता है दोस्तों, कल एक एमसीक्यू पूछा गया था रिगार्डिंग मिशन प्रारंभ, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। यह क्या था? सो इट इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल फॉर स्पेस। नेक्स्ट, सिटीजन परसेप्शन सर्वे जिसको लॉन्च किया गया था बाई क्या, किनके द्वारा, ये क्वेश्चन आपका है। सेवी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखेगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टूडेज सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर being with us. Thank you very much.